दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आज भी जीरा के भाव की बात करें तो इसमें जो है नरमी का रुख ही देखने को मिला, क्योंकि आवक कई दिनों के बाद काफ़ी बढ़ी, जिसका असर भाव पर देखा गया। NCDX पर जीरा जो है अप्रैल का वायदा भाव 24,050 पर बंद हुआ, 390 रुपये की गिरावट रही। मई का वायदा भाव 23,110 पर बंद हुआ, 525 रुपये की गिरावट इसमें देखने को मिली। मिनी कॉन्ट्रैक्ट जीरा का NCDX पर अप्रैल का जो वायदा भाव है ये भी जो है 690 रुपये गिरावट के साथ 22,500 पर बंद हुआ। और हालांकि मई का जो वायदा भाव है उसमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, 325 रुपये की तेज़ी रही, 23,515 पर जो इसके भाव हैं वो बंद हुए। अलग अलग मंडियों में भी जो है भाव में मिला जुला रुख ही जो है देखने को मिला। और फिलहाल देखिए जीरा के भाव पर दबाव इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो अराइवल है काफ़ी बढ़ी है। मेड़ता सिटी मंडी में जीरा का भाव समान रहा, 21,500 से लेकर 30,000 का भाव रहा, 4,000 से 4,500 बैग की अराइवल देखने को मिली। गोंदल मंडी में भी जो है जीरा भाव समान रहा, 21,000 से 25,000 का भाव रहा, 1,000 से 1,200 बैग की अराइवल देखने को मिली। कोलकाता मंडी में भाव समान देखने को मिला, जीरा शो का भाव 27,700 से 28,000 देखने को मिला। वहीं अगर ऊंझा मंडी के भाव की बात करें तो यहाँ पर भी जो है जीरा के भाव में गिरावट का रुख जो है देखने को मिला, 400 से 500 रुपए की जो है गिरावट क्वालिटी के मुताबिक जीरा के भाव में जो है ऊंझा मंडी में दोस्तों देखने को मिले। हल्की क्वालिटी का माल 21,000 से 23,000, मीडियम क्वालिटी 22,500 से 23,500, बेस्ट 24,000 से 25,000, एक्स्ट्रा 27,000 से 29,000, 42,000 बैग की आवक रही। ईसबगुल का भाव 12,000 से 14,000, 35,000 बैग की अराइवल रही। ईसबगुल के भाव में जो है आने वाले दिनों में मंदा देखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी जो अराइवल है वो काफ़ी बढ़ रही है। सौंफ का भाव हल्की क्वालिटी का 6,500 से 8,000, मीडियम 9,000 से 10,000, बेस्ट 12,000 से 15,000, एक्स्ट्रा ग्रीन 25,000 से 30,000, आवक 45,000 बैग की रही। अजवाइन का भाव जो है मीडियम क्वालिटी 12,000 से 13,500, बेस्ट 14,000 से 16,000, सुपर ग्रीन 16,000 से 17,000, एक्स्ट्रा सुपर ग्रीन बोल्ड 17,000 से 19,000, आवक 700 बैग की जो है देखने को मिली। हलवद मंडी में जीरा का भाव समान रहा, 21,000 से 23,500 भाव रहा, 2,000 से 2,500 बैग की अराइवल जो है देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय भाव भी जीरा का थोड़ा नरम देखने को मिला, क्यूमिन सील्ड न्यू क्रॉप 2024 सिंगापुर 1% MC का भाव जो है 4,825 देखने को मिला। फिलहाल जीरा के भाव में आने वाले दिनों में और दबाव देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि जो अराइवल है वो बढ़ेगी और राजस्थान की मंडियों में जो है अराइवल आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, जिसका असर भाव पर दबाव के तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल जीरा में थोड़ी डिमांड कम है और अंतर्राष्ट्रीय मांग सामान्य है, थोड़ी ज़्यादा जब होगी तो फिर इसके भाव में तेज़ी का रुख बनेगा। रोजाना भाव की जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी जुड़ सकते हैं, इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर है, साथ ही नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो तुरंत उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए वीडियो आप तक पहुँचे और आप जो है उसे देखकर अपनी रणनीति बना पाएं। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। दोस्तों नमस्ते।